Sagar Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. देश में आए केंद्रीय बजट की चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर ने यूपी की सियासत में तहलका मचा रखा है। तस्वीर में दिखने वाले नेताओं की मुलाकात ने यूपी की भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा दी है। माना जा रहा है कि सूबे की राजधानी से शुरू हुआ सीएम और डिप्टी सीएम के बीच खींचतान का खेल दिल्ली पहुंचकर फिर लखनऊ लौट आया है। सियासी जानकार भी मान रहे हैं यूपी की भाजपा में खेमेबाजी इन दिनों जोरों पर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की मुलाकात की तस्वीर को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच सोमवार को मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की। तो वहीं सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसी मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की। आपको बता दें कि इससे पहले सरकारी कर्मचारियों के आरक्षण को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य की चिट्ठी वायरल हुई थी, जिसके बाद बीजेपी के भीतर मची खींचतान को मानो और हवा मिल गई थी कि केशव वर्सेस योगी की जंग और बढ़ती जा रही है। सियासी गलियारों में इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरक्षण के हथियार से केशव योगी पर प्रहार कर रहे हैं। सवाल तो यह भी उठता है, क्या योगी आरक्षण के मसले पर चौतरफा घिर गए हैं, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही अनुप्रिया पटेल ने भी सीएम योगी को कुछ ऐसी ही चिट्ठी लिखी थी। इससे पहले संजय निषाद के सुर भी कुछ अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य जैसे ही सुनाई दिए थे। ऐसे में सबकी निगाहें थी कि पूर्वांचल में ओबीसी की पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टैंड रहने वाला है। लेकिन इस बीच सुभाषपा प्रमुख व योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर खुद केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंच गए। बताते हैं डिप्टी सीएम के घर पर दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है। फिर दोनों की ओर से सोशल मीडिया पर बाकायदा तस्वीरें साझा कर एक दूसरे की बड़ाई में कसीदे पड़े गए हैं। दोनों के पोस्ट को गौर से देखिए कि कैसे केवल फोटो ही नहीं बल्कि शब्द भी हूबहू एक से हैं। तो क्या राजभर ने इस मुलाकात और पोस्ट के जरिए ये बड़ा संदेश दे दिया है कि वो केशव के सुर में ही सुर मिलाएंगे, जो वो कहेंगे वही दोहराएंगे। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ के लिए एक नई लड़ाई छिड़ने वाली है, क्या योगी की घेराबंदी के लिए केशव प्रसाद मौर्य बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं, इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों नेताओं की मुलाकात की वायरल तस्वीरों ने यूपी का सियासी पारा बढ़ा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।